दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ETR वर्सेस PIR के बीच होने वाले आज के दूसरे ECS T10 मैच के बारे में एक एक प्ले का पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लाएगा, कौन कितने और बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच का, आपको पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, दो से तीन रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मैच में GL विन कराने में मदद करेंगे, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम में जीत सकती है, सभी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान देना, ये जो मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा, ये एक हमारी एनालिसिस के बेस की टीम होगी, बाकी फाइनल टीम जो भी होगी ना, जिस टीम से मैं खुद इस मैच के अंदर पैसे लगाऊंगा, वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, आप भी उस टीम से खेल सकते हो। उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं, आप जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसके टाइटल को आप क्लिक करोगे या फिर टच करोगे, आप सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, जहां पर आपको सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। इस ब्लू लिंक के आप क्लिक करके अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि यहीं पे मैं अपनी खुद की फाइनल टीम आपको भेजने वाला हूं, जिस भी टीम से मैं खुद इस मैच के अंदर पैसे लगाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, कहीं ना कहीं ETR की टीम का जीतने के 95% करीब चांसेस रहने वाले, तो इसके प्लेयर्स को हम ज्यादा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करने वाले। ETR ने आखिरी के पांचों मैचेस जीते हुए हैं, वहीं पीरियड्स की टीम ने 5 में से 2 जीते, 3 हार करके आ रही है। वहीं का बात करेंगे इस मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में, तो जो मैच होने लगी आपको जिब्राल्टर के स्टेडियम के ऊपर होगा, जहां पे जो आखिरी के 5 करीब आपको देखने को मिला हुआ है 104 रन के करीब का एवरेज स्कोर, यानी कि कहीं ना कहीं आपको हाई स्कोरिंग गेम ही देखने को मिलने वाला है। और अगर आप आखिरी के 9 मैचेस में देखोगे तो काफी ज्यादा लो स्कोरिंग गेम देखने को मिला हुआ है, और सिर्फ और सिर्फ 71 रन के करीब का एवरेज स्कोर देखने को मिला हुआ है। उसके बाद मैं लेकर के चलूंगा, सबसे पहले यहाँ से PH मैन हो गया एल ब्रूस, जो कि आपके लिए इस मैच के लिए KVC के लिए भी नंबर 1 चॉइस रहेगा, बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आएगा, बॉलिंग से भी आपको 2 ओवर पूरा करके देने वाला है। यहाँ से आपके लिए के नेस्टर, जो कि बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आएगा, हर बॉल पे सिक्सर मारने वाला प्लेयर है, प्लस आपको 2 ओवर बॉलिंग से भी पूरा करके देगा। ए रईस आपको बल्लेबाजी में भी तीसरे पे आएगा, प्लस आपको बॉलिंग से भी 1 से 2 ओवर करके देगा। जी क्रिश्चियन, जो कि कई बार बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आ जा रहा है, कई बार तीसरे पे आ रहा है, कई बार 9वें पे भी आ रहा है, कुछ भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मेनली जो आप बॉलर है, बॉलिंग से आपको 2 ओवर पूरा करके देगा। उसके बाद अविनाश पाई को लेकर के चलूंगा, जो कि जब भी ऐसा ओपनर खेलेगा ना, वहाँ पे परफॉर्मेंस करके जरूर देगा, जब भी इसको ऐसा ओपनर भेजा जाएगा, लेकिन जब भी इसका बल्लेबाजी क्रम 4 नंबर पे किया जाएगा, वहाँ पे फ्लॉप जाएगा। तो ये चीज़ पहले ये देखना कि ऑफिशियल लाइनअप में क्या होगा, इसको कहाँ पर भेजा जाएगा। अभी मैं अविनाश पाई को यहाँ पे लेकर के जरूर चलूंगा। बाकी यहाँ से एस गोंजालेज, जो कि कई बार बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आ रहे तो अच्छा करके दे रहा है, लेकिन जब बल्लेबाजी में 4 पे आ रहा है, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस करके दे नहीं पा रहा है, लेकर के मत चलना। ई दंतीस को भी बिल्कुल भी लेकर के चलना नहीं है, बल्लेबाजी करेगा नहीं, बॉलिंग करेगा नहीं। यहाँ से जे सोगाई का भी सेम हो, ये बेकार प्लेयर है। यहाँ से मैं कहूँगा सबसे नंबर 1 चॉइस एल सिम्स, जो कि आपको हर मैच में 2 ओवर बॉलिंग पूरा करके दे रहा है। सी यहाँ से एस्पिनोजा को भी लेकर के चलूंगा, हर मैच से 2 ओवर बॉलिंग पूरा करके दे रहा है। उसके बाद यहाँ से आर कनिंगम को भी लेकर के चलूंगा, हर मैच से 2 ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा है, स्पिनर बॉलर है। सबसे अच्छे बॉलर की बात करो हर्षदीप सिंह, जो कि 2 ओवर बॉलिंग भी पूरा करेगा, अब बल्लेबाजी में भी 6 नंबर पर आकर आपको 10-15-20 रन आराम से बना करके दे सकते हैं अगर मौका मिले। आखिरी मैच इसने बल्लेबाजी से 21 रन बना करके दिया हुआ है, यानी कि प्लेयर काफी अच्छा, आप इसको लेकर के बिना कुछ भी सोचे चल सकते हो। लेकिन उसके लिए मान लो ये चारों में से कोई प्लेयर ना खेल रहा हो, मैं ऐसे हरदीप सिंह को लेकर के चलूंगा। इसके अलावा एक और अच्छा प्लेयर है एस एंसवर्थ, जो कि आपको हर मैच से 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा। अगर आप मान लो D11 ऐप के पास खेल रहे हो ना, अगर आप मान लो D11 ऐप के पास खेल रहे हो, जहाँ पे आप सिर्फ 2 ही बल्लेबाजों को लेकर के चल सकते हो, वहाँ पे काम करना कि अपना फोर्थ बॉलिंग ऑप्शन हरदीप सिंह को लेकर के चल लेना। लेना किसको नहीं है, यहाँ से दी पावर एक ही प्लेयर है जो कि प्लेइंग 11 में मजबूरी में लेकर के चल रहा हूँ, आखिरी मैच से एक भी ओवर बॉलिंग कर देगा, मौका मिला नहीं, यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला, यानी कि कई बार इसको बॉलिंग 2 ओवर पूरा मिल भी जा रहा है, लेकिन कई बार नहीं भी मिल रहा है। बल्लेबाजी में बहुत नीचे आएगा, 9वें नंबर करीब, मेनली जो है बॉलिंग ही आपको करके देगा। इस सीजन में सिर्फ एक ही ऐसा मैच किया हुआ है जहाँ पे 2 ओवर बॉलिंग करके इसको 4 विकेट मिले हुए हैं, बाकी कोई भी मैच इसको बॉलिंग मिला नहीं है। यहाँ से ईश्वर पटेल, अगर मैं ईशान पटेल की बात करूँ ना,
यहाँ पे इसको बॉलिंग मिला नहीं, यहाँ पे भी इसको बॉलिंग मिला नहीं, यहाँ पे इसको बॉलिंग मिला हुआ है, दो दो ओवर बॉलिंग पूरा किया हुआ है, वहाँ पे परफॉर्मेंस भी करके दिया हुआ है। यानी कि ज़्यादातर मैचेस में दो ओवर बॉलिंग भी पूरा कर रहा है, बल्लेबाजी में भी तीसरे पे आ रहा है। आर ग्रीम जो कि पीरियस की टीम को से कप्तानी कर रहा है, लेकिन बल्लेबाजी में इस समय काफ़ी नीचे आ रहा है, बॉलिंग ज़्यादा कर नहीं रहा है, अपने मर्जी पर कभी आ जा रहा है कभी नहीं आ रहा है। जे वेस्ट की बात करूँ, शुरू में इसने भी हर मैच दो ओवर बॉलिंग पूरा कर रखा था और बल्लेबाजी से भी रन्स बना करके दिया हुआ था, लेकिन आखिरी के मैचेस में इसको भी बॉलिंग करने का मौका मिला नहीं है। यहाँ पे बल्लेबाजी से रन्स बना करके दिया हुआ है। पहले हम ये देखेंगे ऑफिशियल लाइनअप है कि कौन ये दोनों में से कौन एज अ विकेट कीपर खेल रहा है और कौन एज अ ऑलराउंडर खेल रहा है। यानी कि जो विकेट कीपिंग से खेलेगा ना उसको लेकर के नहीं चलेंगे, जो ऑलराउंडर के उससे खेलेगा उसको लेकर के चलेंगे। अभी मैं यहाँ से लेकर के चल रहा हूँ जे वेस्ट को। बाकी अगर आपको लग रहा है, अगर मुझे लगेगा कि इस यहाँ से ईशान पटेल बॉलिंग करने वाला है, इसको लेकर के जरूर चलूंगा। बाकी आर ग्रीम को इतना अच्छा प्लेयर है नहीं, ईशान पटेल ने आखिरी के मैचेस में बॉलिंग नहीं किया, इसीलिए लेकर के नहीं चल रहा हूँ। यहाँ से दीप पावर को ना लेकर के आप हरदीप सिंह को लेकर के चल सकते हो, उसके अलावा आप यहाँ से ईशान पटेल को लेकर के चल सकते हो। बाकी यहाँ से कोई भी इतना अच्छा प्लेयर नजर नहीं आ रहा है। क्या वीसी में मैं लेकर के चलूंगा एल ब्रूस को, वीसी लेकर के चलूंगा केशर नाया, यहाँ से नेस्टर को। ये एक हमारी इनिशियल टीम है एनालिसिस के बेस की, बाकी फाइनल टीम जो भी होगी वो लाइनअप आने के बाद ही मिलेगी। तो लाइनअप आने का जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम से लोग आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स से सबसे वो पिन किया हुआ मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ज्वाइन होना बिल्कुल ही मत बोला, क्योंकि यहीं पे मैं अपनी फाइनल टीम बना भेजने वाला हूँ, जिस भी टीम से मैं खुद पैसे लगाऊंगा। उसके अलावा मैं अपने पूरे पैसे जो अलावा चैलेंजेस पे लगाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन है, सबसे ज़्यादा आपको लो एंड फीस जो अलावा चैलेंजेस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे कहने बस एक बार अपने 1000 रुपये लगाओ बिना हारी आपके 100 रुपये बचा लोगे, 10000 रुपये लगाओगे बिना हारी आपके 1000 रुपये बचा लोगे, सिर्फ एंट्री फीस के रुपये। उसके भी ऊपर से आपको 4 से 15% उसके बोनस के भी पैसों का यूज़ करने मिलेगा। 11 चैलेंजेस आपका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो अभी का भी वहाँ से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। मैं भी इस मैच के अंदर अपने पूरे पैसे 11 चैलेंजेस भी लगाने वाला हूँ।